चिमनी ब्लास्ट मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले, ये मैं आज तीसरे दिन पे आ गया, फ्राइडे के दिन की बात हुई, सैटरडे को तमाम पदाधिकारी पहुंचते हैं, मैंने उनको भी दिखाया, उसमें डीएम साहब ने बयान भी दिया, एसपी साहब पहुंचे हुए थे, उसके अलावे बहुत मंत्री भी पहुंचे लोग, मंत्री के अलावे जहाँ पे हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय काफी समय तक वहां समय दिया, हर जगह समय दिया, हॉस्पिटल में गए, लोगों से मिले जुले, उसके बाद तमाम माननीय लोगों ने अपना समय दिया, सबसे आके मिलना जुलना किया, सब कुछ ठीक लग रहा है, करना चाहिए, क्योंकि ये हर भारतीय का एक फर्ज होता है, लेकिन ये तो माननीय है, इन लोगों की एक जिम्मेवारी है, पदाधिकारी की एक ड्यूटी है, ये सब कुछ ठीक है, अच्छा है, समझ में आता है। मेरे साथ अभी जो सख्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये इंजीनियर है, और वो इंजीनियर कुंदन श्रीवास्तव जी, तो मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर ये चूक क्यों हुई, उसके विषय में कुछ टेक्निकली बातें, ये टेक्निकली बातें समझता हूं, और वो टेक्निकली बातें ये क्या बताते हैं उस पे हम लोग गौर करने की जरूरत है, और गौर करते हैं, कैसे ये हो सकता है कि ये ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले ब्लास्ट में जितने भी वर्कर्स की मृत्यु हुई बहुत दुखद है, और जितने भी लोग इसमें पीड़ित हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और जो मृतक हैं उनके परिवार को भगवान आगे की रास्ता दिखाए, उनके बच्चों को सही तरह से शिक्षा मिले, मेरी पहले ये कामना होगी। दूसरी बात नवीन जी, जो आप लोगों ने अभी मुझे आपके द्वारा भी माध्यम से पता चला, और मैं मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूँ कि सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, लगभग सभी लोग आए, आने भी चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, और साल के लास्ट में, मतलब अब 4-5 दिन बाद न्यू ईयर आने वाली है, और इतने बड़ा हादसा, सोचिए कितने वर्कर्स हैं, उनकी बीवी विधवा हो गई, बच्चे हाथ हो गए, तो ये बहुत दुखद बात है, और चूंकि हमारे ही गांव के बगल के हैं, हमारे ही समाज के ये सब घटना है, तो हम लोग को बहुत दुख हुआ इस बात के। अब देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो ईंट के भट्ठे में जो आग लगी, जिससे इतना बड़ा ये विस्फोट हुआ, जिसमें इतनी जाने चली गई, इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। पहला वजह तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बोलना चाहूंगा कि जब साल के पहली बार, फर्स्ट टाइम साल में ये यहाँ ईंट का भट्टे में आग लगाया जा रहा था ईंट पकाने के लिए, तो उससे पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है। फॉर्मेलिटीज ये होती है कि वहां पे कोई टेक्निकल आदमी, खनन विभाग के से टेक्नीशियन ऐसे, जिनके पास सरकार ने उनके अनुभव के वजह से उनको नौकरी दिया हो, और उन लोगों का रहना भी जरूरी होता है जब भट्टी में आग लगती है। खनन विभाग द्वारा जो वहां अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए कि हाँ, ये चिमनी, ये ईंट का भट्टी आज आग लगाने योग्य है या नहीं, वो सब चीज प्रमाणित किया जाता है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि इसमें जो खनन विभाग के अधिकारी हैं, वो उनपे प्रश्न चिन्ह लगता है, और मैं आप लोग को एक सुझाव दूंगा, एक आप लोग से आग्रह करूंगा कि उस जो भी खनन विभाग के अधिकारी हैं, आप लोग, क्योंकि तो मैंने देखा, 2 दिनों से देख रहा हूं, डीएम सर, एसपी सर, एएसपी सर, एसडीएम मैडम, सभी लोग, या अलग अलग विभाग के और माननीय मंत्रीगण और सांसद महोदय, सभी लोग आए, विधायक महोदय, सब लोग वहां पे थे, लेकिन अभी तक मैंने खनन विभाग का अधिकारी को नहीं देखा जिससे आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा हो। मैं आप लोगों को चाहूंगा, इस समाज के भलाई के लिए, इतने लोग की मृत्यु के कारण जानने के लिए, आप लोग खनन विभाग के अधिकारी के पास पहुंचे, जो एक प्रमाणित किया होगा कि ये चिमनी का भट्टा आज जलने योग है। मेरा पहला सवाल, एज ए सामाजिक समाजसेवी, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता और इंसान होने के नाते मेरा पहला सवाल है कि जो कोई भी चीज ऐसा होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, जब आप 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का टिकट का प्लेन का टिकट खरीदते हैं, आप जाते हैं पटना एयरपोर्ट से बेंगलोर एयरपोर्ट, तो आप तो प्लेन में चढ़ जाते हैं, आपकी तो इतनी ही जिम्मेदारी होती है कि आपको टिकट खरीदना है और आपको एक सीट रिजर्व होता है, उसमें बैठना है। पायलट की जिम्मेदारी आती है प्लेन उड़ाकर पटना से बेंगलोर पहुंचा देना आपको, लेकिन उससे पहले उसकी से संबंधित टेक्नीशियन आकर उस
प्लेन की जांच करते हैं कि चक्का गड़बड़ तो नहीं है, मशीन सब सही वर्क कर रहा है, तब जाकर प्लेन अच्छी तरह से काम करके आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाती है, ऐसा होता है। बिल्कुल, ठीक उसी तरह जो मालिक थे चिमनी भट्टी के, उन लोगों ने तो साल के पहली बार इन लोगों ने आग लगाई अपने ईंट को पकाने के लिए, इनके पास ऑर्डर्स होंगे, बहुत जगह से पैसे लिए होंगे, उनको ईंट डिलीवरी करना होगा। लेकिन इसमें जो चूक हुआ वो तो टेक्नीशियन जो था जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि भाई ओके है, उससे हुआ। अगर 1% मैं ये भी बोलूंगा कि खनन विभाग के वो अधिकारी जिन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सब कुछ सही है और सब कुछ सही था भी, मान लीजिए ऐसा अगर हुआ है तो फिर विस्फोट कैसे हुआ? ऑक्साइड गैस का वो रहता है और रिएक्शन का जो वाटर गैस बनकर पूरा फाट गया है, बम बनकर। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें कि ये सब सुझाव आप मेरे मतलब अपने चैनल के माध्यम से जरूर और भी लोग को। कुंदन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दो तीन टेक्निकल बातें इन्होंने बताई, जो टेक्निकल बातें हैं उनको समझने की जरूरत है, लेकिन बात वही आके रुकती है कि टेक्निकली एक्सपर्ट बंदा वहां था या नहीं। अगर वो था तो इन बातों को ध्यान क्यों नहीं दिया? आज इतनी मौतें वहां क्यों हुई, उसके पीछे कौन कारण है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना तो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां मौजूद होगा और ना ही खनन विभाग के कोई अधिकारी वहां मौजूद होंगे। इसी वजह से यह घटना हुई है और यह घटना जितनी भी प्रकार से जितनी भी बातें हो रही हैं ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है और हमारे डीएम साहब महोदय जी से ही मैं आग्रह करूंगा कि स्पेशल जांच बैठाई जाए, अगर जरूरत पड़े तो इन पदाधिकारियों के ऊपर एक ऐसी छड़ी चलनी चाहिए जिसमें बड़े बड़े कांटे दिखाई दीजिए। स्पेशल जांच बहुत जरूरी, तो उनसे इनको पता चलेगा कि चुभता है जब शरीर पे कांटे की जो चुभता है ना, अगर 5 कांटे अगर शरीर पे चुभे तो आदमी को एहसास होता है कि दर्द क्या चीज होता है। और वो तो उनके परिवार वालों से पूछिए जिनकी ये मौत हुई है, जिनके घर के एक चिराग चला गया है, चाहे वो बेटा गया हो किसी के और किसी का पति गया हो और किसी का बाप गया हो। बहुत दुखद घटना है। इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, ग्राउंड रिपोर्ट 24।